हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर एग्जाम्स 2022 के रिलेटेड कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो कि आपको बहुत सारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना माइसेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा बिहार, समस्तीपुर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डाउट्स सबसे पहले आपके मार्केट में या कुछ साइट्स पर आप सर्च कर रहे होंगे कि आईसीआर का एग्जाम्स है, कब होगा, कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा। ठीक है, कुछ यूट्यूब पर भी आपके जिन्होंने जिनको आप सब्सक्राइब कर रखे उन पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपका एसआर एग्जाम्स है वो इस डेट को होने वाला है। एक अनएक्सपेक्टेड डेट है, वो आपको बहुत दिनों से बताई जा रही है कि इस डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा एसआर का, इस डेट को ये आने वाला है। ठीक है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेट है वो नहीं बता सकता, क्योंकि एनटीए जो है अपनी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी आपका शेयर नहीं करता है। ठीक है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वहीं पर आप अपडेट रहें। हालांकि हमारे चैनल पर आप जो है अपडेट रह सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी फेक वीडियोज नहीं बताया जाएगा जिसमें आपको स्टिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, लास्ट लेटेस्ट जो वीडियोस आई सी आर के आप देख सकते हो, लास्ट ईयर मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प किया, बहुत से स्टूडेंट को काउंसलिंग के थ्रू बीएचयू एंड जीबी पंथ में एडमिशन भी दिलवाया, जिसमें मेरे चैनल पे आप देख सकते हो 40 से ज़्यादा वीडियोस आपको लास्ट ईयर के मिल जाएंगे जहाँ आई सी आर का सारा इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया जाता था। लेकिन हालांकि इस साल हम जो है अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज नहीं किया गया है और न ही आपका कोई एनटीए के द्वारा कोई अपडेट है। हालांकि अब हम बताएंगे इस वीडियो में कि कहाँ आपको अपडेट रहना है, कोई भी साइट पे आपको नहीं जाना है, गूगल पे आपको कहीं भी सर्च नहीं करना है। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म है रिलीज हो जाए तब भी उसी साइट पे अपडेट रहना है, और कब आपको कौन सी साइट में अपडेट रहना है, क्योंकि आईसीआर एक ऐसा है जहाँ पे आपका दो साइट है जहाँ पे अलग अलग अपडेट दिया जाता है। सबसे पहले हम पहली साइट की बात करेंगे जहाँ क्या क्या अपडेट आपको मिलता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पहला साइट है जहाँ पे जो है डिस्कस किया जाता है आपका जितना भी अपडेट है, एनटीए के अलावा यहाँ भी अपडेट दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आंसर की के बारे में बताया गया है, यहाँ आपके एडमिट कार्ड के बारे में भी डिस्कस किए गए, ये 2021 के। ठीक है, आफ्टर आपका एग्जाम्स होने के बाद आपको इस साइट पर कोई भी अपडेट है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, जो भी अपडेट आपका दिया जाता है या तो वह एनटीए की ऑफिशियल साइट पर या आपको जो आईसीआर की दूसरी साइट है जहाँ आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, वहाँ पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो अब उस साइट को भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पे आपको क्या अपडेट मिलेंगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्स होने से पहले यहाँ पे सारी अपडेट है वो दी जाती है। जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सारा प्रोसेस उस पर सारा जो अपडेट है वो उसी साइट पर दिया जाएगा। तो ये आपका पहला साइट है जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड साइट का जिसमें आपको बहुत सा डिस्कस, ये आपका दूसरा साइड है आईसीआर का। ठीक है, जहाँ पे आपका देख सकते हो कि काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है और यहाँ पे एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये भी दी जाती है कि जैसे ही आपका स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, आफ्टर यदि आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो यहाँ पे एग्रीडेशन कौन कौन सी कॉलेज है सारा अपडेट है वो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर की यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स अप्लीकेशन लॉगिन, जैसे आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे तो सारी अपडेट यहाँ पे आपको सीट अलॉट हुआ कि नहीं अलॉट हुआ तो सब कुछ डिस्कस है वो इसी साइड पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आईसीआर की दूसरी साइड है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जहाँ आपको अपडेट होना है। ठीक है, कोई भी आपका एनटीए के द्वारा या आईसीआर का कोई अपडेट आता है तो उस साइट पे आएगा, आपका एग्जाम्स होने वाले काउंसलिंग के बाद आपका इस साइट पे अपडेट आने वाला है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लेगी, अभी तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म है और आपकी एग्जाम्स डेट नहीं अनाउंस की है एनटीए के द्वारा, कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेट हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी आपका ऑफिशियली डेट अनाउंस हो जाएगा तो आपको वीडियोस मिलता रहेगा जिससे आपको स्टिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।